अगर आप एक पावर यूजर या गेमर हैं या फिर एक कैमरा एंथुजियास्ट हैं या फिर एक एवरेज यूजर हैं जो 30 से 32,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही फीचर पैक्ड फोन लेना चाहता है तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद, मेरा नाम आमिर है और हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ रेडमी 10 जो कि पाकिस्तान में आज ही लॉन्च हो रहा है और मैं आज की वीडियो में करूंगा इसे अनबॉक्स। ये दुनिया का पहला फोन है जिसके अंदर मीडियाटेक का ब्रांड न्यू हीलियो G88 चिपसेट दिया गया है और भी काफी सारे फीचर्स हैं, वो सारे कवर करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो ये रेडमी 10 पाकिस्तान में दो वेरियंट में लॉन्च हो रहा है, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज जो कि 29,999 रुपए का है और ये डिवाइस ऑनलाइन ओनली है तो दराज, एयरकार्ट और मी स्टोर पर मिलेगा। जबकि दूसरा वेरिएंट 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है और ये आपको सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा 32,999 की प्राइस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, Xiaomi की Redmi लाइनअप हमेशा से एक वैल्यू फॉर मनी लाइनअप रही है। इनके Redmi Note 10 और Note 10 Pro दोनों मार्केट में अपनी प्राइस की वजह से बहुत ही कामयाब रहे थे। खैर, अब शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग को। हमारा आज का डिवाइस 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला है और ये सी ब्लू कलर में है जो कि हाई ग्लॉस फिनिश है, जबकि ये फोन मैट फिनिश में व्हाइट और ग्रे में भी दस्तयाब है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ यूजर मैनुअल्स और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। और दोस्तों, ये रहा Redmi 10 का हैंडसेट, इसे जरा चेकआउट कर लेते हैं। तो ये फोन हाई ग्लॉस फिनिश में है और इसका ये सी ब्लू कलर एक ग्रेडियंट कलर है, तो नीचे थोड़ा डार्क है और ऊपर लाइट है और इसमें एक मल्टी कलर्ड प्रिज्म इफेक्ट भी दिखता है, तो इस फोन में आपको रेड, ग्रीन, ब्लू और पर्पल के शेड्स दिखेंगे। बहरहाल, आ जाएं वापस अनबॉक्सिंग की तरफ। तो हैंडसेट के साथ हमें मिलती है एक फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और एक USB टाइप सी केबल। अब दोस्तों, ये है तो एक मिड रेंज फोन, तो यहाँ आपको बिल्ड पूरी प्लास्टिक की मिलने वाली है, लेकिन इसका बड़ा फायदा ये है कि बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इस फोन का वजन ज्यादा नहीं है, सिर्फ 182 ग्राम। अगर बात करें बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की, तो राइट साइड पे फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं और पावर बटन है और इस पावर बटन में ही इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में बहुत ही आम हो चुके हैं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मिड रेंज फोन्स के साथ, ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स बहुत ही रिलायबल होते हैं। फोन के लेफ्ट साइड पे इसकी सिम ट्रे है और ये फोन फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि इसमें दो सिम्स और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक वक्त में एक साथ लग सकते हैं। अब जब हम इस फोन के ऊपर वाली तरफ आते हैं तो यहाँ हेडफोन जैक के साथ साथ कहानी में दो और ट्विस्ट हैं। एक तो है ये IR ब्लास्टर जो कि Redmi के अलावा कोई दूसरा ब्रांड इस वक्त नहीं देता, और इस IR ब्लास्टर को चलाने के लिए इस फोन में एक ऐप दी गई है जिसके जरिए आप अपने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि आपका AC और आपका TV वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है। लेकिन इस IR ब्लास्टर के साथ ही आपने ये दो स्लिट्स भी नोटिस की होंगी और ये हैं इसके ऊपर वाले स्पीकर के लिए, जबकि नीचे वाली तरफ माइक और USB टाइप सी पोर्ट के साथ भी एक और स्पीकर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस फोन में ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जब आप मूवीज देखेंगे या फिर गेमिंग करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा इमर्सिव भी होगा और इनका वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा लाउड होता है। आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे, तो यहाँ भी गेम काफी स्ट्रांग है क्योंकि Redmi 10 में ये 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2400 है। डिस्प्ले के ऊपर सेंटर में एक होल पंच कटआउट दिया गया है और सबसे मेन चीज है कि इस डिस्प्ले में हमें 90Hz तक का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है, तो फोन इस्तेमाल करते हुए आपको वो स्मूथ और फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलेगा जो हम सबको बहुत ही पसंद है। अब अगर पीछे वाली तरफ आ जाए तो यहाँ बैक पे एक कैमरा मॉड्यूल है जो कि दिखने में ज्यादा बड़ा लगता है इस ब्लैक बॉर्डर वाले डिजाइन की वजह से, लेकिन जब करीब से देखें तो ना ही ये इतना बड़ा है और ना ही ज्यादा डीप। लेकिन जहां तक बात है 30,000 से 33,000 वाले फोन्स के कैमरास की, तो उनके हिसाब से ये एक काफी स्टैक्ड स्पेकशीट है, क्योंकि ना सिर्फ हमें इस फोन में एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है बल्कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब इस कैमरा से मैंने कुछ सैंपल्स तो लिए हैं, आपका बॉय आपके लिए बीच के नजारे लाया है, लेकिन इस कैमरा का पूरा एनालिसिस करने के लिए मुझे इसे कुछ दिन और इस्तेमाल करना होगा और वो एनालिसिस मैं आपके लिए लाऊंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब अगर हम आगे बढ़ के बात करें रेडमी 10 के स्पेसिफिकेशंस की, तो जैसा कि आपको इंट्रो में बताया था, इस फोन में एक ब्रांड न्यू गेमिंग प्रोसेसर है, यहाँ मीडियाटेक का हीलियो G88 चिपसेट दिया गया है। अब इस G88 चिपसेट के दो बड़े फायदे हमें बताए जा रहे हैं।
पहला तो ये है कि इसके GPU की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा हाई रखा गया है, जिसकी वजह से बकौल MediaTek इस पे गेम्स के फ्रेम रेट्स थोड़े बेहतर होंगे। और दूसरी इंप्रूवमेंट ये की गई है कि ये वाला चिपसेट अब ज्यादा हैवी मेगापिक्सल काउंट वाले कैमरास को सपोर्ट करता है, जहां MediaTek का Helio G85 48 मेगापिक्सल तक के कैमरा सपोर्ट करता था, ये G88 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरा सपोर्ट कर सकता है। और यही चीज है जिसकी वजह से 50 मेगापिक्सल का कैमरा इस फोन में मुमकिन हुआ है। और यकीनन मैं इस G88 की भी इन डेप्थ परफॉर्मेंस बात करूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। तो अगर बाकी स्पेक्स की बात कर लें तो जैसा कि आपको पहले बताया, ये फोन 4 और 6 GB के रैम वेरिएंट्स में आता है और इसमें 128 GB eMMC 5.1 स्टोरेज दी गई है, जो कि यकीनन एक्सपेंडेबल है। अगर बैटरी और चार्जिंग सेटअप की बात करें तो Redmi 10 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर 22.5 वॉट तक हैंडल कर सकता है, लेकिन फोन की चार्जिंग स्पीड 18 वॉट पे ही कैप्ड है। और ये फोन रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो आप इसे एक पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करके अपने दूसरे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। अब अगर आगे आ जाएं इंटरफेस पे, तो Redmi 10 में Android 11 है, जिसपे Xiaomi की अपनी MIUI 12.5 लगी हुई है। और इस नए 12.5 अपडेट में कुछ ऑप्टिमाइजेशंस की गई हैं बेहतर CPU और पावर कंजम्पशन के हवाले से। फिर यहाँ कुछ नए वॉलपेपर्स भी हैं और कुछ नए नोट्स के फीचर्स भी। और अब स्वाइप डाउन मेन्यूज भी अलग हैं, तो कंट्रोल बटन्स राइट साइड पे स्वाइप डाउन करने से आते हैं और नोटिफिकेशंस लेफ्ट साइड पे स्वाइप डाउन करने से आते हैं। लेकिन Redmi के बाकी सारे फोन्स की तरह यहाँ भी हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर एप्स मिलती हैं, जिन्हें ऑफ कोर्स आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल में मेड इन पाकिस्तान फोन्स की आमद से अब मोबाइल फोन्स पे, खासकर बजट और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट्स पे कॉम्पिटिशन बहुत ही सख्त हो चुका है, और इस Redmi 10 के लिए भी यकीनन मुकाबला बहुत ही सख्त होगा। मैं पर्सनली इसके 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज वेरियंट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसकी लोअर प्राइस की वजह से। लेकिन अब देखना यह है कि इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, और सबसे ज्यादा इसका G88 प्रोसेसर, उसके कोई बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। और ये सारी चीजें यकीनन मैं इस फोन के फुल रिव्यू में कवर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक देना ना भूलेगा, कोई भी फीडबैक हो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।